हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं बजाज की पल्सर 125 का, नियॉन वाली पल्सर 125। आपके सामने 125 सीसी में खड़ी है इस बार और बहुत ज़्यादा बिकने वाली मोस्ट सेलिंग 125 सीसी है ये बजाज की। और मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ही रिलायबल इंजन के साथ ये बाइक आती है, क्योंकि ओवर द टाइम इसने प्रूफ किया है इस चीज़ को। तो शुरू कर लेते हैं बाइक के, पहले ओवरऑल लुक से आपको एक वॉक अराउंड दे देते हैं कि कैसी बाइक दिखती है आपको। तो बजाज ने एक एजलेस डिज़ाइन बना दिया था इसके लिए और 220 सीरीज़ के लिए। पल्सर की कोई भी बाइक आप उठा के देख लीजिए, उसकी डिज़ाइनिंग में आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि पूरा डिज़ाइन बॉडी फुल बहुत मस्कुलर और अच्छी लगती है। 125 सीसी की ये सबसे हैवी बाइक है अपनी कैटेगरी में, पर पावर फिगर्स के हिसाब से ये सब मैनेज कर लेती है, क्योंकि ऑलमोस्ट 12 BHP की पावर आपको ये बाइक दे देती है। टू बी प्रिसाइज 11.5 BHP की पावर देती है। तो पावर फिगर्स और पावर टू वेट रेशियो में थोड़ा सा लैग खा जाती है, नहीं तो इसकी टॉप स्पीड और सब कुछ पावर टू वेट सब सही है। अब बात कर लेते हैं मीटर कंसोल की। मीटर कंसोल इसमें आपको फुली डिजिटल मिल गया है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ। और स्विच गियर्स की बात करें तो ये भी अपडेट कर दिए हैं बजाज ने, क्योंकि यहाँ पर हाई बीम और लो बीम का ऊपर हो गया है। यहाँ पर मोड सेट करने का है और हॉर्न का बटन यहीं पर। बाकी बैकलिफ्ट स्विचेस अभी भी आते हैं पल्सर में, ये अभी भी लोहे में ही मिलता है। और यहाँ पे एक नया ग्राफिक देखने को मिल जाता है 3D पल्सर के लोगों के साथ। बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में, तो इसका बेस वेरिएंट जो है वो आपको 98,000 ऑन रोड मिल जाता है, जो कि काफ़ी सस्ता है अगर बाकी गाड़ियों की प्राइस से कंपेयर करें तो। पीछे की तरफ इसमें आपको टायर अगर भी देखने को मिल जाता है, जो चेंज में आपको चेंज है वो आपको इसमें जो अलॉयज हैं वो अब चेंज कर दिए गए हैं, जो कि पतले लगते हैं। ये थोड़ा गलत करा बजाज ने, क्योंकि जो इसके जो अलॉयज थे जो आप 150 में दे रहे हैं सिर्फ, वो वाले ज़्यादा अच्छे लगते थे, ना कि ये पतले वाले। पीछे ड्रम ब्रेक्स आते हैं और आगे आते हैं डिस्क ब्रेक्स, और कहीं भी बाइक में LED नहीं है, पूरी बाइक हैलोजन वाली ही है। तो अपडेट में जो था इसमें बस स्विच गियर्स को थोड़ा सा क्वालिटी इंप्रूव कर दी गई है और पूरा मीटर चेंज करके डिजिटल मीटर कर दिया गया है। और यहाँ कोने पर एक चार्जिंग सॉकेट दे दिया गया है और बाइक में कहीं भी ABS नहीं आता। तो ये था हमारा एक रिव्यू वीडियो पल्सर 125 का। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।